जियो के प्रीपेड रिचार्ज प्लान को लेकर बात करूंगा। भाई दो सेम प्लान हैं लेकिन रिचार्ज प्राइस जो है अलग अलग है। सेम डाटा, सेम कॉलिंग, सेम मैसेजेस, सेम ऐप्स यूज़ करने की सर्विस जो है दी जा रही है आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा वैलिडिटी का फ़र्क आप लोगों को जरूर से देखने को मिलेगा। अगर प्राइस में फ़र्क है तो वैलिडिटी में भी फ़र्क जरूर देखने को मिलेगा। तो क्या आप लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है? और एक बात और बता देता हूँ, जियो जो है पहली ऐसी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है जिसने जो है पूरे एक महीने का रिचार्ज प्लान, पूरे एक महीने का मतलब अभी तक जो भी कंपनियां हैं वो सिर्फ 20 दिन, 24 दिन, 28 दिन का रिचार्ज प्लान लॉन्च कर रही हैं, लेकिन कैलेंडर, पूरे एक कैलेंडर महीने का रिचार्ज, मतलब कैलेंडर महीने का मतलब है जो दिन, जिस महीने में आप लोग रिचार्ज कराएंगे, अगर कोई 28 या 29 दिन का महीना है तो 29 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, अगर 28 दिन का महीना है तो 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, अगर 31 दिन का मंथ है तो 31 दिन की मिलेगी, 30 दिन का महीना है तो 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। तो कुछ इस तरह से कैलेंडर महीने के अकॉर्डिंग जो है वैलिडिटी वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन चुका है जियो, और एक ऐसा ही रिचार्ज प्लान जो है जियो ने लॉन्च किया है। तो क्या आपको इसका फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है, उसी के बारे में बातचीत करेंगे। सो वीडियो पर दोस्तों एंड तक बने रहना। अगर आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करना ताकि अदर जो जियो यूजर हैं, जो जियो रिचार्ज कराना चाहते हैं, उन तक ये जानकारी जरूर से पहुँच सके। देखिए भाई, दो प्लान हैं जियो की तरफ से जिसके अंदर आप लोगों को सेम मिलेगा, सब कुछ सेम, मतलब 1.5 GB डाटा पर डे आप लोग यूज़ कर पाएंगे, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग। और इसके साथ साथ जो जियो वगैरह की ऐप्स हैं, जियो सिनेमा, जियो टीवी, वो तो देखिए कोई भी रिचार्ज करवा लीजिए आप लोगों को फ्री मिलता ही है, उसके बारे में तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दोनों को, दो जो आप लोगों को ये प्लान मिल रहा है, ये दो रिचार्जेस के अंदर मिलता है। एक है 239 का, 239 रुपये का प्लान, ठीक है, और एक और इन्होंने लॉन्च किया है जो कि है 259 का, 239 और 259, ठीक है। इन दोनों में जो है सेम जो है आप लोगों को मिल रहा है सब कुछ, 1.5 GB डाटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग, इसके साथ साथ जियो ऐप्स वगैरह ये, ठीक है। तो 239 में जो वैलिडिटी दी गई है, सब फंडा जो है वो वैलिडिटी का है। अगर 20 रुपये प्राइस इंक्रीज कर दिया गया है तो सारा फंडा वैलिडिटी का है, ठीक है। तो 239 रुपये में तो आप लोगों को 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है, जो देते आ रहे हैं पहले से ही। लेकिन 259 में जो है ऐसा पहली बार किया है किसी टेलीकॉम कंपनी ने कि उन्होंने कैलेंडर महीने की वैलिडिटी रखी है। मतलब अगर आप लोग देखिए 1 फरवरी को रिचार्ज करवाएंगे तो उसका अगला रिचार्ज 1 मार्च होगा, मतलब जिस दिन आप लोग रिचार्ज करवाएंगे सेम उसी डेट को जो है आप लोगों को अगला रिचार्ज करवाना होगा। अगर आप लोग 1 फरवरी को करवाते हैं तो 1 मार्च को करवाना होगा, मतलब अगर फरवरी में 28 दिन है या 29 दिन है तो आप लोगों को 28-29 दिन की ही मिलेगी। अगर आप लोग 1 मार्च को रिचार्ज करवाते हैं तो आप लोगों को नेक्स्ट रिचार्ज 1 अप्रैल को करवाना होगा, मतलब उसके अंदर आप लोगों को 31 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी क्योंकि मार्च में जो है 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से जो है इन्होंने 259 में ये प्राइस रखा, ये जो है 259 का ये रिचार्ज प्लान रखा है। लेकिन क्या इसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा? देखिए मुझे तो नहीं लगता भाई, जो 259 में ये प्लान रखा है इसका बेनिफिट आप लोगों को इतना कुछ खास मिल पाएगा। ये रिचार्ज प्लान या तो देखिए 249 का, चलिए इनका रिचार्ज प्लान है 248 में कर सकते थे, या 251 में, 250 में, कुछ इस तरह कर सकते थे। जो 20 रुपये इन्होंने प्राइस इंक्रीज किया है वो सही नहीं है भाई, मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा है। क्योंकि देखिए 239 की अगर आप लोग पर डे की कॉस्ट लगाएंगे तो आप लोगों को 8.53 रुपये चार्ज होता है, ठीक है, 8.5 रुपये लगा लीजिए, 8.53 रुपये जो है चार्ज होता है 28 दिन की वैलिडिटी के साथ, अगर आप लोग 239 रुपये वाला प्लान लेते हैं। तो 259 में क्या होता है, 259 में अगर 30 दिन है, मान लीजिए अगर 30 दिन है, 30 दिन का महीना है, तो उसमें आप लोगों को 8.63 रुपये चार्ज हो जाते हैं भाई, मतलब 10 पैसे एक्स्ट्रा ही चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। अगर 31 दिन का महीना होता है तब जो है आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, वो 8.35 रुपये पड़ता है भाई, ठीक है, 8.35 रुपये, जहाँ उसमें 8.53 रुपये देने पड़ रहे थे तो इसमें 8.35 रुपये हो जाता है अगर मंथ 31 दिन का है तब जाकर। लेकिन अगर 30 दिन का ही महीना है तब जो है आप लोगों को नुकसान ही है उसको लेने में,
तो यही बात कराऊं तो मतलब बस क्या है, जियो ने आप लोगों को उलझाया ही है। 1 महीना वैलिडिटी लिख कर वहां पर आप लोगों को फंसा दिया है कि भाई पूरा 1 महीना मिलेगा, क्योंकि बहुत से यूजर होते हैं कि भाई 28 दिन की करवाए, चलिए 1 महीने की करवा लेते, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। अगर इसका प्राइस 10 रुपये कम होता, 259 की जगह 249 का नहीं कर सकते तो 250 का कर देते, ठीक है। कुछ 10 रुपये कम अगर इसका प्राइस होता तो ये देखिए, तो आप लोगों को इसका बेनिफिट होता सीधा सीधा, जितने भी 10 पैसे, 20 पैसे या 30 पैसे का जितना भी जो है पर डे के हिसाब से जो बेनिफिट होता, तब जाकर आप लोगों को ये बेनिफिट मिल सकता था। लेकिन 259 में तो कोई बेनिफिट नहीं है भाई। 30 दिन का अगर महीना है तो आप लोगों को सीधा सीधा नुकसान है, पर डे 10 पैसे का नुकसान है भाई, ठीक है। सो आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। और हाँ, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, ऐसी अपडेट्स लेते रहने के लिए। ऐसी ही छोटी छोटी अपडेट्स जो है मैं आप लोगों को देता रहता हूँ अपने इस पेज पर। सो जल्दी से जल्दी फॉलो कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।